उपमंडल मुख्यालय संगड़ा में आज एक और शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां कुल 9 लोगों के सैंपल हुए थे, जिनमें से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और कोरोना पॉजिटिव महिला की उम्र 25 साल के आसपास बताई जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य खंड के हरिपुर धार में भी 5 सैंपल हुए थे और 5 नेगेटिव पाए गए हैं। तो अब तक स्वास्थ्य खंड संगड़ा में 47 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से अधिकतर ठीक हो चुके हैं और आज काफ़ी दिन बाद नया कोविड पॉजिटिव केस सामने आया है। 10:54 हुए हैं और अभी आप देख सकते हैं ड्यूटी पर तैनात जवान को बेतरतीब ढंग से खड़े किए जा रहे हैं वाहनों को हटाते हुए। तो इस तरफ को भी कुछ गाड़ियां थी अभी जिन्हें हटाया जा चुका है। तो आज आप देख सकते हैं आसपास अन्य कोई गाड़ी अभी नहीं दिख रही है जो बसों के लिए निर्धारित जगह पर खड़ी हो। तो आज भी बाज़ार में लोगों की काफ़ी चहल पहल है और कुछ लोग बिना मास्क के भी आसपास दिख रहे हैं, हालांकि ज़्यादातर लोग मास्क पहने हुए हैं। स्वास्थ्य खंड संगड़ा की बात करें तो यहां अब तक 46 कोरोना पॉजिटिव मामले आए थे, जिनमें से लगभग सभी ठीक हो चुके हैं और यहां स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है और संगड़ा अस्पताल में डॉक्टर के 4 पद खाली है, जबकि ब्लॉक के 14 हेल्थ सब सेंटर में एक भी कर्मचारी ना होने के चलते ताले लग चुके हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं बार बार ड्यूटी पर तैनात जवानों द्वारा गलत जगह खड़े वाहन हटाए जाने के बावजूद लोग वाहन खड़े कर रहे हैं। इस तरह दोपहर 1:15 का समय हुआ और अभी काफ़ी लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं आसपास। इस तरह 2 बसें भी यहाँ खड़ी है, जिनमें से एक नौराधार जा रही है और दूसरी निजी बस जिला मुख्यालय नाहन निकल रही है। तो इस तरह पुलिस सहायता कक्ष में भी पुलिस अथवा होमगार्ड के जवान अंदर बैठे दिखाई दे रहे हैं और अभी लोगों की काफ़ी आवाजाही देखी जा रही है बस अड्डा बाजार में। तो इस तरह काफ़ी लोग बिना मास्क के भी है, हालांकि वीडियो बनाता देख कुछ लोग मास्क पहन रहे हैं। तो इस तरह से आज दूसरे दिन भी लगातार बाजार में भीड़ भाड़ देखी जा रही है और फेस्टिवल सीजन अथवा दिवाली नज़दीक होना लोगों के जुटने का कारण है। 3:25 हुए और इस तरह आप देख सकते हैं अभी काफ़ी लोग दिख रहे हैं आसपास जो खरीदारी कर रहे हैं। तो फेस्टिवल सीजन अथवा दिवाली नज़दीक होने के चलते लोगों की आवाजाही देखी जा रही है। रविवार को यहाँ बाज़ार बंद रहने के बाद सोमवार और मंगलवार को काफ़ी संख्या में लोग देखे जाते हैं। यहाँ मौजूद बैंकों की ATM मशीनें अक्सर बंद रहती है और दिवाली नज़दीक होने के बावजूद ये ATM मशीनें नहीं चली है। यूको बैंक की ATM जहाँ पिछले 8 माह से बंद है, वहीं सहकारी बैंक की ATM भी काफ़ी दिनों से बंद है, हालांकि करीब 1.5 साल बाद इस ATM को ठीक किया जा चुका था। तो इस तरह ATM मशीनें बंद होने के चलते कोरोना काल में भी लोग परेशान रहे और इन बैंकों में भीड़ जुटने के कारण ATM मशीनें बंद होना भी समझा जाता है। हालांकि इस वक्त भीड़ नहीं है और सुबह के टाइम यहाँ कई बार कतार लगी होती है लोगों की। 5:15 का वक्त हुआ है, अभी बेतरतीब ढंग से खड़े वाहन दिख सकते हैं यहाँ, जिसके चलते कई बार जाम की समस्या देखने को मिलती है। तो यहाँ से थाना प्रभारी और एक SI का तबादला होने के बाद गत सप्ताह से इस तरह के बेतरतीब वाहन खड़े नजर आ रहे हैं, हालांकि लोग चालान कम होने से खुश है। तो इस तरह आज यहाँ एक कोरोना पॉजिटिव केस भी पाया गया और कुल 9 सैंपल हुए थे संगड़ा अस्पताल में, जिनमें से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। क्षेत्र में कोरोना संक्रमण जारी होने के बावजूद लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति लापरवाह दिख रहे हैं और इस तरह आप देख सकते हैं बिना मास्क के भी आसपास कुछ लोग हैं।